वर्कवोट बिल पर बड़ी खबर, सपा करेगी इस बिल का विरोध, कांग्रेस ने भी लिया बड़ा फैसला। जानिए क्या कहा नेताओं ने। वक्फ बिल को लेकर राजनीति में घमासान मचा हुआ है। राजनीतिक और गैर राजनीतिक तमाम लोग इस पर बयान दे रहे हैं। इसको लेकर सरकार बिल लाने की बात कह रही है, लेकिन उससे पहले ही इसका कड़ा विरोध देखा जा रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने वक्फ बिल को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है, यानी कि ये दोनों सदन में बिल का विरोध करेंगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की भी बात कही है। तो वहीं इसको लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वक्फ बोर्ड का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है, रक्षा रेल नजूल लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। वक्फ बोर्ड की जमीनें डिफेंस लैंड, रेल लैंड, नजूल लैंड के बाद भाजपाइयों के लाभार्थ योजना की श्रृंखला की एक और कड़ी मात्र है। भाजपा क्यों नहीं खुलकर लिख देती भाजपा हित में जारी, इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी। भाजपा रियल स्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है, उसे अपने नाम में जनता के स्थान पर जमीन लिखकर नया नामकरण कर देना चाहिए, भारतीय जमीन पार्टी। वक्फ बोर्ड पर सरकार की ओर से लाए जा रहे बिल पर अखिलेश यादव ने खुलकर निशाना साधा। तो वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर कई सांसद पहले ही अपना विरोध जता चुके हैं। ऐसे में लोकसभा में मुस्लिम सांसद विधायक का विरोध कर सकते हैं। विधायक का मकसद केंद्रीय पोर्टल के जरिए वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के तरीके को सुव्यवस्थित करना है। तो वहीं कांग्रेस ने संशोधन विधेयक का विरोध करने का फैसला लिया है। कांग्रेस ने सरकार से गारंटी मांगी है कि बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी। इस तरह समाजवादी पार्टी भी विरोध करेगी। आरोप है कि सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति हड़पने के लिए ये सब कर रही है। तो वहीं इस पर भाजपा का कहना है कि वक्फ बोर्ड कानून में कई विसंगतियां हैं, जिनकी संपत्ति ली जा रही है उनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। इसको लेकर कई शिकायतें मिली हैं और यही कारण है कि सरकार इस बिल में संशोधन करने जा रही है। जाहिर है कि अब तक वक्फ अधिनियम 1995 नाम था, अब संशोधन विधेयक को नाम दिया गया है। इसे एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 इसका नाम दिया गया है। संशोधन बिल 2024 के जरिए सरकार 44 संशोधन करने जा रही है। सरकार ने कहा है कि बिल लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन करना है। वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।